ऐसे लोगों को आरपीएससी का मेंबर बना दिया, बताओ आप। इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी की अगर सरकार बनी तो आरपीएससी वारपीएससी कुछ भी नहीं, तुरंत बर्खास्त और जेल। मुनकरा ओ मुनाफका ओ दलिया नस कुत्ती चोरा राजपूत आया ही। हनुमान बेनीवाल है जो कि आरपीएससी अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है कर्नल केसी सिंह राठौड़, तो उनको बोल रहा है कि किसको बना दिया, अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं पहले इसका इस्तीफा और फिर जेल में डाल दूंगा। तो मैं इसे पूछना चाहता हूं कि तू ओम बन्ना पर बार बार टिप्पणी करता था, तेरी 4 साल पुरानी वीडियो है, तुझे जेल में क्यों नहीं डालने का सरकार ये काम करती। दूसरी बात, तू वही इंसान है जो 1998 में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो तुमने ऐसे ही हरकत करने की कोशिश की थी और वहाँ का ठाकर तेरे पीछे लगे थे और तू जूता सिर पर लेके भागता हुआ नजर आया था। सब तेरे पीछे ठाकर फिर से लगेंगे ना, अब तुझे जूता उठाकर भागने भी नहीं देंगे, ठीक है। तू क्षत्रियों पर टिप्पणी करना छोड़ दे, तेरा मतलब क्या है? कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने क्या कर दिया अगर वो कोई खड़ा हो गया तो? तब कभी तू मेघराज सिंह रॉयल पर टिप्पणी करता है, कभी तू क्षत्रिय बाहुबली क्षत्रिय जिसका नाम ब्रिजभूषण सन सिंह है उस पर करता है, कभी तू अभी इन पर कर रहा है कर्नल केसरी सिंह राठौड़ पर। तो उन्होंने मूल ओबीसी वालों की बात की थी कि जो उनका हक खा रहे हैं, तो मूल लोगों को हक मिलना चाहिए, इसमें कुछ गलत तो बोला नहीं उन्होंने, तो तेरे को क्यों दर्द हो रही है? तू हक खा रहा है क्या? खा रहा है इसलिए दर्द हो रही है। कोविंद डोटासरा तेरा क्या लगता है, तेरा रिश्तेदार है, उसने आरपीएससी में अपनी बहू को लगा दिया, अपनी बेटी को लगा दिया, अपने बेटे को लगा दिया, अपने भतीजे को लगा दिया, पूरे परिवार को एक बार ही कैसे लगा दिया उसने? मुझे इस बात का जवाब दे। उसने घोटाला किया इतना बड़ा, तो अब उसकी पोल खुलनी है, तो उसको लेकर तू उसका रिश्तेदार बनकर उसके समर्थन में आ रहा है। पहले तो तेरी जाँच होनी चाहिए, तू उसके समर्थन में क्यों आ रहा है? गोविंद डोटासरा ने जो घोटाला किया है, तेरे को इसलिए तकलीफ हो रही है कि गोविंद डोटासरा ने जो घोटाले किए हैं, बाबूलाल कटारा जो भी तेरा रिश्तेदार है उसने पेपर लीक करवाया था, तब तू कहाँ था? तू उसका विरोध क्यों नहीं किया बाबूलाल कटारा का? इसका क्यों कर रहा है? ये तो अभी आया भी नहीं, ये आएगा तो तुम्हारी जो जो तुम फ्री में जो तुम पेपर मिल जाते थे, तुम्हारे लोग हो जाते थे, उस पर रोक लगेगी, उसकी तेरे को तकलीफ हो रही है। सबसे बड़ा तो तू है द्रोही इंसान, और किसी ठाकर के सामने आ गया तो फिर तेरे को मुंह तोड़ जवाब देने का काम उसी वक्त किया जाएगा। और कोई भी क्षत्रिय, किसी भी क्षत्रिय के घर में अगर तेरी पार्टी का कोई बंदा आता है वोट लेने, तो उसको जूते के हार पहनाए जाएं, ऐसी पार्टी वालों के को जो क्षत्रिय समाज का क्षत्रिय लोगों का ही विरोध करते हो। इनको घर में बिल्कुल घुसना ना दिया जाए, और इनको जूतों के हार पहनाकर अगर घर में आते हैं तो फिर भेजा जाए।